हाय, हम आपके लिए लेके आए हैं। आज मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष रावत, स्पैरो हाउस लेके आए हैं। आपका स्वागत करते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड, जी हाँ, बॉलीवुड में लोग कहते हैं, पब्लिक कहती है कि दोस्तों कि वहाँ का मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, और काफ़ी अच्छा कि बहुत से लोग मतलब अच्छा कॉमेडी करते हैं, अच्छा करते हैं। तो दोस्तों उसके पीछे क्या होता है, उसके मैं बारे में आज बात करूंगा। हमारे सामने आज आएंगे चीफ गेस्ट, जाने माने, पर उससे पहले रूबरू मैं आपको कराता हूँ। ये है अरुण प्रजापति जी। तो हेलो 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 अरुण जी, कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा, अरुण जी मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड जो लाइन है, मैंने सुना बहुत ही स्ट्रगलर और बहुत ही ज्यादा टफ लाइन है, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो मैं आपसे एक यह कहना चाहूंगा कि आप सावधान इंडिया लाइफ होगा चैनल पे कैसे पहुंचे हो, आपने कैसे सीरियल में काम किया? आशीष जी, आपने ये क्वेश्चन सही किया है कि इस लाइन में वाकई बहुत स्ट्रगल है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं एक बात बताता हूँ आपको जी, मैंने बरेली से स्टार्ट किया था ये बात, और मैं एक ऑडिशन में गया था, और मैंने ऑडिशन दिया था, तब मुझे काफ़ी नर्वस फील हुआ था, काफ़ी मैं मतलब पब्लिक इतनी थी तो मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था जी। फिर भी मैंने कोशिश की, वो आपने सुनाया ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है जी, तो मैंने भी इसमें अपना हौसला अफजा किया और आज आपके सामने मैं। और जरूर मैं आपसे ये कहूँ कि काफ़ी कड़ी मेहनत और काफ़ी परिश्रम मेहनत लगती है, तो मैं एक बार अरुण जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगा। अब मैं वो वक्त वो समय आ गया है दोस्तों रूबरू कराने का, जिससे मैं बात कर रहा था आपके बारे में, उनके बारे में। तो वो प्लीज मैं स्वागत करूंगा, मोस्ट वेलकम मेरे इस स्पैरो हाउस शो में। उनका नाम है अर्जुन सर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अर्जुन सर। सर दोस्तों, इनकी मैं बात कर रहा था, वो सर यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत मैं बेताब हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ इनसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप भी सुनने को बहुत इच्छुक होंगे, तो मैं इससे पहले मुझसे रहा नहीं जाए, मैं शुरुआत करता हूँ। सर मेरा नाम आशीष रावत है। आशीष, हेलो सर। सर मैं सर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है, अभी जो आपने मूवी साइन करी है, इसका नाम है अंडाला हाउस, तो सर उसके बारे में आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो खंडाला हाउस फिल्म मैंने जी जी जी, ये एक्चुअली एक हॉरर स्टोरी है जी, और एक मैसेज दिया है, जस्ट लाइक यू यूज्ड एग्जांपल ऑफ रानी एमएमएस, तो वैसे फीमेल्स को एक मैसेज है कि आप जो है अकेले किसी पे बिलीव ना करके, आप बाकी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। सो आई एम नॉट एक्सपोज। हाँ तो सर जैसे कह रहे हैं कि दोस्तों की जब फिल्म आएगी तो उसमें क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, आप भी बेचैन होंगे देखने के लिए, तो ये फिल्म जरूर देखिएगा, मेरे आपसे ये वादा है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। हाँ उसके आगे मैं बात करना चाहूंगा सर, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर बॉलीवुड जो हमारी फिल्मी दुनिया की जो लाइन है, उसमें काफी मेहनत और कड़ा परिश्रम करना पड़ता है सर। तो कुछ लोगों का कहना ये होता है, कुछ लोग पढ़ते हुए देखते हैं कहते हैं बड़ी अच्छी शक्ल, बहुत स्मार्ट लग रहा है यार, इस पे लड़कियां बहुत मरती होंगी, तो पैसा वैसा भी सोड़ा सब, तो ये लोग नहीं सोचते कि उनको कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइन के ऊपर, पर उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि पढ़ते के पीछे सर क्या चल रहा है वो सर आप जी को पता है, ऑडियंस को नहीं पता। तो सर मैं इस पे से आप छोटा सा ये क्वेश्चन करूंगा सर, प्लीज आप बताइए कि
हमारे पर्दे के पीछे की जिंदगी क्या होती है? आशीष बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। एक्चुअली इस ये जो लाइन है बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको बोलती है, इसमें स्ट्रगल तो खैर बहुत ज़्यादा है। और जो भी मेरे लोग हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, मैं उनको भी बोलूँगा कि देखिए ये जो लाइन है बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, इसमें जो है आज यकीन मानिए कम से कम 18-19 साल हो गए मुझे इसमें इस लाइन के अंदर, और काफ़ी कमेंटमेंट्स आए मेरे फ्रेंड्स के, मेरे रिश्तेदारों के। जी सर जी, जितने भी लोग अपने करीबी होते हैं वो सारे लोग कमेंटमेंट करते हैं कि इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम दूसरे की बातें सुनते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, और बिकॉज जब आप कामयाबी को इस तरफ जाना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, तो आपके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे ऐसे होगा कि ऐसा लगेगा कि इस फील्ड को छोड़ दो, लेकिन नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट अगर रखते हैं अपने एक चीज़ पे तो आई एम श्योर दैट यू डेफिनेटली विल सक्सेस। इस सर ने बताया कि काफ़ी मेहनत और काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, यानी पेशेंस। दोस्तों पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हिम्मत की बात है। जो लोग पेशेंस रखते हैं दोस्तों वो जिंदगी में कामयाब होते हैं, और जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं वो तो उनका फिर वही जाने। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा हमारे इस स्पैरो हाउस शो में कि इसका स्पैरो हाउस शो नाम क्यों पड़ा, ये भी एक मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि सर एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहते हैं, जानेंगे कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस फिल्म तक सर कैसे पहुँचे, आपके बीच में क्या क्या परेशानी आई सर, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मेरे ख्याल से पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बोलूँगा कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं और प्रॉपर उस पर फोकस रखते हैं आप, जी सर, तो आप कामयाब हो जाते हैं। जी सर, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेशेंस, पेशेंस मतलब जीत, और जिसके पास पेशेंस नहीं यानी हार, तो ये खुद आप डिपेंड करते हैं। क्योंकि देखिए हर अच्छे काम में, बड़े काम में प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करना अगर आप आदी बन जाते हैं तो ये तो दोस्तों तो दोस्तों सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये चाहूंगा कि आप अपनी वॉइस में, मधुर आवाज में एक सॉन्ग प्ले करें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि सिंगर और राइटर ये स्ट्रगल करते करते हालात ऐसे बना देते हैं कि आदमी ऑटोमेटिक सिंगर और राइटर हर चीज बन जाता है, तो बस थोड़े से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करते करते, लोगों से मिलना जुलना वगैरह करते करते कि शायद कोई चांस मिल जाए काम, तो म्यूजिक डायरेक्टर से भी कॉन्टेक्ट हो गए, डायरेक्टर से भी कॉन्टेक्ट हो गए, तो उन्होंने जो है आप ये मान के चलिए कि मेरे 20 साल के स्ट्रगल की वजह से आज जो है ये एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं गा सकता हूँ, मैं लिखता हूँ। हालांकि नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट जो भी है मैं आपको सुनाता हूँ। तो आशीष जी ये बताइए आप कि गाना किस टाइप का सुनना चाहेंगे आप? सर मैं ही तो सुनना चाहूंगा हमारे दर्शक भी सर बेताब है सुनने के लिए। मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं, बट ये जो सॉन्ग है हमारी अपकमिंग मूवी का सॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं इसको गुनगुना रहता हूँ। न जाने क्यों मुझे तुझे देख कर फीलिंग सी आती है, क्या है सही या फिर गलत दिल को नहीं है पता, न जाने क्यों ये तेरा शर्माना मुझे देख कर, क्या मैं समझूं बताओ ना बताओ ना। थैंक यू बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सर ने अपना परफॉर्म किया, मुझे बहुत खुशी हुई सर आप मेरे स्पैरो हाउस शो में आए। सर मेरा जीवन तो बाग बाग हो गया, धन्य हो गया, और सर ऐसे ही हमारे शो में आती रहिए और हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ बताती रहिए। सर कब अर्जुन सर हमारे स्पैरो हाउस शो में आए, और सर बहुत ही ऐसे आते रहिए और हमारे दर्शकों को भी सर